a more belligerent opposition. All right, we have got the live visuals of Prime Minister Modi reaching the Parliament, finally being felicitated by, of course, the Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju over there. The live visuals on your screen at the moment. Remember, the tussle is currently going on. War of words is continuously escalating between the opposition as well as the BJP over the selection of the pro tem speaker. But what you are looking at your screens is the Prime Minister along with Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju, Arjun Ram Meghwal on your screens as well. He will be addressing the press in a short while from now. We are expecting Prime Minister Modi to highlight a couple of things which can be expected from this session. साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवी के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आज़ादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के माँ भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय हैं। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहाँ से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है, और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है, मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना। और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो, ताकि सामान्य मानवीय के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं, और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। All right, so that was Prime Minister Narendra Modi along with Union Minister Kiren Rijiju, along with Dr. Jitendra Singh, Arjun Ram Meghwal, as well as Al Murugan, felicitated by them, has now entered inside the Parliament. He will be taking oath today, felicitated by the Pro Tem Speaker. Apart from him, then the Union Council of Ministers will also take the oath. Now, if we were to highlight the crucial points that the Prime Minister has mentioned while briefing the press, couple of things that he actually spoke about. He talked about opposition's unity along with the central government at this point of time, because he said that this is historic, that after 60 years any government has been trusted by the people of the nation to come into power for the third consecutive term. He said that we will do the proper analysis of the numbers, we will come back three times stronger next time. He also asked for opposition's unity in terms of bringing India to the level of becoming a Viksit Bharat.